सबसे पहले ये है स्लीपिंग लाइन, इसको हम ड्रॉ करेंगे। बच्चे को ऐसे ट्रेसिंग बना के देना है घर पे, और बच्चे को स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए देना है। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहना है। ये स्लीपिंग लाइन, बच्चा लाइन्स ड्रॉ करना सीखेगा तभी वो लेटर्स बनाना सीख लेगा, नंबर्स बनाना सीख लेगा, उनको आसानी से ट्रेस कर सकता है। डेली का आपने जैसे आज सिखाया है स्लीपिंग लाइन, तो स्लीपिंग लाइन का आपने कम से कम 5 या 7 दिन प्रैक्टिस करवाना है। पहले सिंगल सिंगल स्लीपिंग लाइन देना है, फिर उसके बाद दो दो तीन तीन बना दो, उनको ट्रेस बना दो, ट्रेसिंग बना बना के बच्चे को सिखाना है। ये है स्टैंडिंग लाइन। जैसे आपने 1 वीक तक स्लीपिंग लाइन सिखाया है, नेक्स्ट वीक में आपने स्टैंडिंग लाइन सिखाना है। स्टैंडिंग लाइन सिखाने के बाद आपने स्लीपिंग और स्टैंडिंग दोनों का प्रैक्टिस करवाना है, ताकि बच्चा पीछे वाली लाइन जो आपने स्लीपिंग लाइन बच्चे को सिखाई थी वो भूले ना। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन का भी सेम वैसे, पहले दिन पहले आपने 1 लाइन बनाना सिखाना है, फिर उसको दो दो लाइन बनाना सिखाना है। स्टैंडिंग में 2 से 2.5 साल का बच्चा है तो वो धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना सीखेगा, वो लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ करेगा। पहले तो वो लंबी लंबी पूरे पेपर पे ड्रॉ करेगा, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, उसको करने देना जैसे करता है। फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी लाइंस पे अपने आप आ जाएगा। ये स्लैंटिंग लाइंस हैं, स्लैंटिंग लाइंस भी आपने सिंगल सिंगल ही सिखानी है पहले, उसके बाद उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाना है। कम से कम 1-1, 2-2 वीक तक उनको ये लाइंस का प्रैक्टिस करवाना है, ताकि बच्चा जैसे ये लाइन सीख लेता है, स्लैंटिंग लाइन सीख लेता है, स्लीपिंग और स्टैंडिंग का प्रैक्टिस भी साथ साथ में ही करवाना है, ताकि वो भूले ना कि स्लीपिंग लाइन कौन सी है, स्लैंटिंग लाइन कौन सी है और स्टैंडिंग लाइन कौन सी है। बच्चा इन लाइन्स को अगर जैसे सीख लेता है तो उसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई फिगर देना है आपने। जैसे आप स्लीपिंग लाइन सीख लिया अच्छे से, स्लैंटिंग लाइन भी सीख लिया है और स्टैंडिंग लाइन भी सीख लिया, तो उसको एक फिगर ड्रॉ करके दो, तो फिगर में सीख लेगा। पूछना है उससे, जैसे सबसे पहले आपने स्लीपिंग लाइन सिखाया था उसको, ये स्लीपिंग लाइन बना के दे दिया, फिगर ड्रॉ कर दिया आपने, ये स्लीपिंग लाइन बना दिया उसको। स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस करवाना है ना साथ साथ में, डॉट्स बना बना के आपने एक फिगर बना देना है, और साथ साथ में वो उसको जैसे ड्रॉ करेगा बोलना है बच्चे को ये कौन सी लाइन बनाए, बताएगा स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। फिर ये थोड़ा सा कर्व बना दिया, ये स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट उसको बता दिया जैसे स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन पूछना है, स्टैंडिंग लाइन। फिर ये स्लैंटिंग लाइन बना दिया, बच्चा इसको ड्रॉ करेगा बहुत खुश होके, उसे पता है, उसे ये लाइंस पता है कौन कौन सी है। ये स्लीपिंग लाइन बनाया, छोटा बनाया, फिर उससे छोटा बनाया, तो बच्चे को बताना ये बन गया शिप, शिप बन गया। नेक्स्ट जैसे विंडो ड्रॉ करने के लिए दिया है, स्टैंडिंग लाइन बनाया पहले, सारी स्टैंडिंग लाइन बना ली उसने। स्लीपिंग लाइन ड्रॉ किया, फिर ये छोटा सा बना दिया तो करने के लिए विंडो का, ये बन गया विंडो। अब जैसे ये सर्कल टाइप है, सन है, बच्चे को बताना सन बनाने के लिए, तो जैसे आपने ड्रॉ करके उसको दिया है डॉट्स में, तो बनाएगा उसको। ये बड़ी लाइन हो गई, स्लांटिंग छोटी, बड़ी फिर छोटी हो गई, ऐसे ही बच्चा क्या है ना छोटी लाइनें भी आसानी से बनाना सीख जाएगा और बड़ी लाइंस भी, तो उसको जब बोलेंगे छोटी बनानी है तो वो छोटी बनाएगा। उसमें लेटर्स में छोटी, जैसे लेटर छोटे होते हैं तो छोटी लाइन आसानी से बना लेगा। ठीक है, स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस करवाइए 1 वीक तक, फिर उसके बाद स्टैंडिंग का, फिर स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों मिक्स कर देना है, फिर उनको कोई शेप देना है, शेप बच्चा बनाएगा उसी से सीखेगा। शेप हो गया, बहुत सारी शेप्स हैं आपने देनी है, उसके बाद स्लांटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, साथ में स्लीपिंग और स्टैंडिंग दोनों मिक्स कर देना है, फिर स्लांटिंग की प्रैक्टिस करवानी है,
ऐसे ही आपने फिर स्लैंटिंग में आप उसको बच्चे को शेप्स देनी है बनाने के लिए, ड्रॉ कर देना है आपने, ड्रॉ भी आपने छोटा छोटा सा मतलब बिंदु टाइप होता है ट्रेसिंग, वो बना के देना है, उसी से बच्चा सीखेगा आसानी से। थैंक यू।